कान वो अश्कों से कराने वाला, हाँ वही शख्स है दिल में भी बसाने वाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो योर सिटी में। और आज हमारे कार्यक्रम शब्दों के सारथी में हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की के युवा कवि एवं गजलकार श्री पंकज त्यागी असीम जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर आप भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, तो आपको काव्य में रुचि कैसे आई और आपने लेखन कब से शुरुआत की अपने लेखन की? सुविधा जी, रेलवे जैसे एक नीरस डिपार्टमेंट से भी शब्दों के सारथी बहुत निकले हैं। एक शैलेंद्र जी थे जो बहुत फेमस गीतकार हुए हैं, वो रेलवे से थे। के पी सक्सेना व्यंग के वीर, वो रेलवे से थे। तो मेरी पोस्टिंग बुम्बई डिवीजन में थी, यहाँ से पहले मैं वहाँ था। तो वहाँ मैं दूसरे शायरों की गज़लें वहाँ पढ़ता था, और वहाँ फिर मेरा परिचय एक वकार साहब थे, सादिक सर थे, जहीर भाई थे, उनसे हुआ। और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपकी गज़ल और शेर की शेरों शायरी की जो समझ है वो ऐसी है कि आपको भी लिखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया और वहाँ से मेरी लेखन की शुरुआत हुई। तो आपके मित्रों ने आपको जो है प्रोत्साहित किया कि आपको लिखना चाहिए। सर आप गजलें लिखते हैं, अब तक आपने काफी गजलें लिखी हैं, तो हमारे दर्शकों को चंद पंक्तियां आप सुनाएंगे? अब मेरे ही तारुफ में जो आपने मेरा एक शेर पढ़ा है उसी की मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक मुकम्मल गजल आपको सुनाता हूँ उसको दर्शकों को। मेरी पहचान वो अश्कों से कराने वाला, मेरी पहचान वो अश्कों से कराने वाला, हाँ वही शख्स है दिल में भी बसाने वाला। लर्जिशे लब पे तुम्हारी है निगाहें मेरी, लर्जिशे लब पे तुम्हारी है निगाहें मेरी, बोल दो ऐसा ही कुछ जो हो सुनाने वाला। इश्क की राह में बैठे हैं मुंतजिर कब से, इश्क की राह में बैठे हैं मुंतजिर कब से, कोई मिलता ही नहीं राह दिखाने वाला। हैं बुजुर्गों की दुआएं ये संभाले मुझको, हैं बुजुर्गों की दुआएं ये संभाले मुझको, साजिशें लाख करे चाहे गिराने वाला, तो मुझ पे इल्ज़ाम चरागों को बुझाने का लगा, मुझ पे इल्ज़ाम चरागों को बुझाने का लगा, मैं तो हूँ लोगों को चरागों की बढ़ाने वाला। सर आपने अपनी गज़ल की कुछ पंक्तियों में जो बोला कि बुजुर्गों के आशीर्वाद है हमारे साथ जी, बुजुर्गों के आशीर्वाद, सर बिल्कुल सही कहा आपने कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जब तक साथ नहीं रहेगा तब तक किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। सर आपकी अपनी पसंदीदा गजल या कविता जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? सविता जी, माँ को तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं जी, तो मुझे कोई एक गजल ऐसी छांटना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अभी एक दर्शकों को मैं एक ताज़ा गजल जो लिखी है वो मैं सुनाता हूँ कि उनके हिस्से में कहाँ दिलकश कोई गुलशन रहा, उनके हिस्से में कहाँ दिलकश कोई गुलशन रहा, वोटरों को तो सदा हासिल वही भाषण रहा, वोटरों को तो सदा हासिल वही भाषण रहा, ख्वाब कारो कोठियों के तो कभी आए नहीं, ख्वाब कारो कोठियों के तो कभी आए नहीं, हम गरीबों के ख्यालों में सदा राशन रहा। शहर ये मुझको कभी यूं रास तो आया नहीं, शहर ये मुझको कभी यूं रास तो आया नहीं, पर रहा जितना यहाँ बस आपके कारण रहा। कोई तो एक बूंद को ता जिंदगी तड़पा किया, कोई तो एक बूंद को ता जिंदगी तड़पा किया, और नसीबों में किसी के झूमता सावन रहा। जिनकी कुर्बत के लिए हमने जतन सोसो किए, जिनकी कुर्बत के लिए हमने जतन सोसो किए, उनके हाथों में हमेशा गैर का दामन रहा। औरतों की ये शेर मैंने जो औरतों की महानता को समर्पित किया है कि वो किस तरीके से पूरी सृष्टि एक्चुअली उनके हाथ में है, वो देखिएगा कि औरतों की अजमतें भी खुल के अब तस्लीम हों, औरतों की अजमतें भी खुल के अब तस्लीम हों, जिनके दम से ये नशेमन आज तक रोशन रहा। मजहबी झगड़े में घाटा आम जन का ही हुआ, मजहबी झगड़े में घाटा आम जन का ही हुआ, था कभी भीमा निशाना और कभी जुम्मन रहा। सर आपने अपनी गजल में बहुत अच्छी लाइन कही कि औरतों के दम से ही दुनिया चलती है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि औरत नहीं होंगी समाज में
तो महिलाएं नहीं होंगी तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। सर, आपके पसंदीदा गजलकार कौन हैं और क्यों? मेरे वैसे तो बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं, अब मीर गालिब जिनको तो खैर कौन नहीं जानता और कौन मुतासिर नहीं होगा इनसे, लेकिन वर्तमान समय में मैं आपके एक अनुभव सुनाता हूँ कि वर्ष 2002 या 3 की बात है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और उस समय एक वहाँ मुशायरा हुआ था, मुशायरा का कवि सम्मेलन हुआ था जो कि जिसका लाइव टेलीकास्ट वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल पर आया था, लोकल टीवी चैनल पर आया था, और वो मैंने अपने घर पे अपने बिस्तर पे लेटे हुए पूरी रात देखा, सुबह 4-4:30 बजे तक वो चला था। तो उसमें वसीम बरेली साहब आए थे, मैंने उनको तब पहली बार सुना था, हालांकि उस समय तक अपने आप में एक महान शायर हो चुके थे, तो मैंने तब उनको पहली बार सुना था और वहाँ मैंने उनकी गज़ल सुनी, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था और तब से मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है मेरा गज़लों के प्रति। काव्य की तो समझ पहले से थी, रुचि थी, लेकिन गज़लों के प्रति जो मैं टर्न हुआ, मैं वहाँ से टर्न हुआ, मुझे ऐसा लगता है उनकी गज़ल कुछ इस तरीके से थी कि उसूलों पे जहाँ आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे जहाँ आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। तो ये इतना मुझे गज़ल इतनी पसंद आई कि मैं उसके बाद मैं गज़लों का अध्ययन करने लगा और मैंने बहुत शायरों को सुना, और ये गज़ल जो मैं इगतपुरी की में नशिस्त जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया वहाँ मैंने सुनाई, और यही गज़ल ऐसी थी जिसने वकार साहब को बहुत प्रभावित किया और उनको लगा कि हाँ मैं भी शेर कह सकता हूँ, और उन्होंने तब मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया था, तो इस गज़ल का बहुत योगदान है मेरे लिए। फिर यहाँ मैं 2015 में मेरा ट्रांसफ़र रुड़की हो गया, मैं रुड़की आ गया, यहाँ मैं हिंदी साहित्योदय संस्था से जुड़ा, और ये पूरी संस्था मेरे एक गुरु के तौर पे इसलिए रही है क्योंकि आप अगर लिखते हैं तो लिखने के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कहीं अपना कला का प्रदर्शन करने के लिए भी मंच की आवश्यकता होती है, तो वो हिंदी साहित्योदय ने मुझे यहाँ पे प्रदान किया। उनकी जो है काव्य गोष्ठियाँ समय समय पर होती रहती थी, कुछ अन्य कार्यक्रम होते रहते थे, तो उसकी वजह से मैं लगातार टच में रहा यहाँ आने के बाद भी, जबकि मैंने एक पूरा बेस अपना चेंज किया था, और मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि यहाँ आते ही मुझे एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ने का मौका मिला। इनके साथ मैं एक और शख्स का नाम लेना चाहूँगा, वो एक बरेली के ही रहने वाले हैं, विनय सागर जी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी, उनसे मैं आज तक मिला नहीं हूँ लेकिन फ़ोन पर ही हमारी बातचीत हुई है, और उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही काफ़ी गाइड किया, और इस मोड़ पे मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा कि वो भी मेरे गुरु की तरह ही हैं। तो आप अपना गुरु विनय सागर जी को समझते हैं या संस्था को? दोनों को बराबर ही क्रेडिट दूंगा मैं। सर, आप अपनी गजलों के माध्यम से समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, जो हालात हैं समाज के, देश के, दुनिया के, कोई भी व्यक्ति उससे अछूता तो है नहीं और एक साहित्यकार भी नहीं हो सकता, तो मैं, और गज़ल भी अब महबूब के आगोश से निकल के इस जो भी दौरे हाजरा है, जो दौर चल रहा है, उस पर अगर वो उस पर अपनी कोई टिप्पणी ना करे तो साहित्य भी अधूरा ही है। तो मेरी गज़ल के चंद शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि जब कभी भी दोस्तों को आजमाया जाएगा, जब कभी भी दोस्तों को आजमाया जाएगा, तब गंवाने का उन्हें खतरा उठाया जाएगा, योजनाएं भी बनेंगी मुफलिसों के वास्ते, मुफलिस यानी गरीब, योजनाएं भी बनेंगी मुफलिसों के वास्ते, या फकत नारों से ही चूल्हा जलाया जाएगा, फिर बचोगे किस तरह उसकी सुलगती आह से, फिर बचोगे किस तरह उसकी सुलगती आह से, गर किसी मजलूम को बेहद दबाया जाएगा। सर, बिल्कुल सही कहा कि अगर राजनीति में या समाज में गरीब तबके के लोगों को या निम्न स्तर के ये अगर उनको राजनीति के माध्यम से और दबाया जाएगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, अंत में जाते जाते आपसे कुछ आपके मनपसंद गजलें हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? आज जो यौन हिंसा हमारे समाज में हो रही है,
तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था, तो मैं एक पहले मतलब सुनाता हूँ और एक शेर में सुनाता हूँ कि उसने उससे सभी प्रभावित हैं, अखबार पढ़ते हुए बड़ा मन कसैला हो जाता है। तो उसी पे है कि गैर के दिल में अगर अपनी निशानी चाहिए, गैर के दिल में अगर अपनी निशानी चाहिए, तल्ख गोई छोड़कर शीरी जवानी चाहिए। और ये मैंने निर्भय के ऊपर लिखा था कि जुल्म कहीं भी हो अगर तो हाथ फिर सबके उठे, जुल्म कहीं भी हो अगर तो हाथ फिर सबके उठे, भेड़ियों से निर्भया सबको बचानी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना कीमती समय दिया। सर उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से हमारे कार्यक्रम में आएंगे अपने नए संग्रह के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, धन्यवाद कि आपने इस आपके कार्यक्रम शब्दों के सारथी में मुझे बुलाया और दर्शकों से रूबरू कराने का मौका दिया, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए शब्दों के सारथी, अगले कार्यक्रम में एक नए शब्दों के एक नए सारथी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।